इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में मौजूद है और लहसुन जो मंडी है नीमच की उसमें है। तकरीबन आज जो आवक की बात करें तो करीब 15 से 18 हज़ार बोरी की आवक बताई जा रही है, मतलब 18 हज़ार करीब है, क्योंकि ट्रैक्टरों में भी भरा हुआ है। माल की भी आप देख सकते हैं थप्पियाँ लगी हुई है, जितने ढेर नहीं है उससे ज़्यादा थप्पियों माल की लगी हुई है। और मंडी यूँ देखो तो पूरी खचाखच भरी हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ जो शेड है उसमें है, दोनों तरफ भरी हुई है। उसका दो कारण है। हालांकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज मंडी गेट के बाहर एक भी वाहन वेटिंग में खड़ा नहीं है अभी तक, तो हो सकता है कि आने वाले समय बढ़ जाए, क्योंकि 3 दिन के बाद मंडी खुली तो आमतौर पर यह धारणा रहती है कि बम्पर आवक होगी, और इसके चलते कुछ किसान अभी उपज लेके नहीं आए। लेकिन जितने भी किसान लेके आए वो भी कम नहीं है, करीब 18 हज़ार करीब ये आवक है। अब भाव की बात करें तो अभी सुबह का वक्त है और सुबह जो भाव सामने आए हैं उनमें जो देसी लहसुन की बात करें तो 11 हज़ार प्लस है कुछ, और देसी जो न्यूनतम भाव की बात करें तो 5 हज़ार 6 हज़ार ऐसा है। वहीं दूसरी अपने ऊटी लहसुन की बात करें तो ऊटी लहसुन तकरीबन आज 14 हज़ार रुपये के करीब है अभी तक का भाव है। हो सकता है दिन में और अच्छा दाम मिल जाए, कम भी चला जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सुबह का भाव है। और न्यूनतम की बात करें तो 6 हज़ार 7 हज़ार तक जा रहा है। अब दूसरी बात ये हो रही है कि आवक की, तो आवक आज भी बम्पर ही देखी जा रही है और हो सकता है कि कल और आवक हो जाए, क्योंकि जो भाव है तो देसी में करीब 200 से 300 रुपये की तेज़ी देखी जा रही है, वहीं ऊटी में भी तेजी की संभावना है। नीमच कृषि उपज मंडी में आज भी नीमच जिले के साथ साथ आसपास के इलाकों से किसान पहुंचे हैं, कुछ किसान हमारे पीछे भी बैठे हैं, पूछते हैं क्या लेके आए, कहाँ से आए। भैया कहाँ से आए आप? जीरापुर से। जीरापुर किधर है? राजगढ़ जिले। राजगढ़ जिले से आए, क्या लेके आए? लहसुन। कौन सी वाली लहसुन है आपकी? ये देसी। देसी है। कितनी बोरी लेके आए आप? 8-10 कट्टे हैं। क्या उम्मीद है, क्या भाव जाना चाहिए आपको, क्या मिल जाएगा? देखो ठीक है। और ये आप कहाँ से आए? वो बस से मेघपुरा। अच्छा, ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। क्या आप भी लहसुन लेके आए? लहसुन ले। कौन सी आपकी है? ना हमारे थर्री हो रही है, बड़ी देसी है ना? हाँ देसी। कौन है? देसी कौन? उट्टी वाली। उट्टी है पर वो जे टू वाली। हाँ जे टू। कितनी कितनी बोरी लेके आए? एक बार तो 20 बोरी लेके आया, एक बार 15 बोरी। अच्छा, पहले बेच चुके आप? हाँ। तो उस समय क्या भाव मिला था आपको? उस समय चुगदा। तो कितने दिन पहले बेची थी? 15-20 दिन हो गया। शुरू में 21 दिन हो गया। 21 दिन हो गया अभी तो। आज भी मतलब जो परसों जो मंडी एक बार बीच में लाइन और जो वो 10,400 बिका, एक 8,000 बिका छोटा वाला, कुल मिला के अभी तक तो ठीक ठाक भाव मिला मतलब? हाँ भाव तो ठीक ही मिले। आज अब क्या भाव बिकेगा यार? आज वैसे अभी तक तो ठीक दिख रहा है भाव देसी में, तो 200-300 की तेजी भी बता रहे हैं। हाँ तो हो सकता है कि इसमें भी ऊटी में भी आए, जो मंडी बंद हुई थी ना उतना ही भाव आज भी है। तो हाँ 3 दिन बंद है, पहले था जय भाव है वो भाव है, मतलब भाव नीचे नहीं आया ना ऊपर गया। ऊपर जा सकता है 150, लेकिन अभी नीचे तो गया नहीं। पर अब दिन में कभी कुछ भाव में उल्टा सीधा हो जाता बात अलग। भाव जी आप कहाँ से आए? पालकर से। ये कहाँ है? बस्सी के पास है। हाँ हमारे पास। कितनी बोरी लेके आए आप? हमारे तो 5-6 बोरी है। अच्छा कब आए थे आप? अभी आए, सुबह आए, शाम का। अच्छा कल शाम को आ गए थे, मुझे लगा सुबह आए। नहीं शाम। आज तो बाहर नहीं इंतजार करना पड़ा ज्यादा। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा कल तो वो दिक्कत थी, मतलब बीच में तो चल रही थी दिक्कत। हाँ। तो जैसा कि किसान भाई बता रहे हैं कि अभी जो उपज लेके आए हैं, जो पिछले दिनों के भाव थे वही अभी तक हैं, और देखना होगा कि दिन चढ़ने के साथ साथ भावों में क्या उतार चढ़ाव आता है, ये समय ही बताएगा। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स।